पठानकोट में आज सुबह 30 से 45 मिनट तक हुई वर्षा के बाद शहर के कई भागों और सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई जगहों पर सड़कें तालाब का रूप लेते हुए नजर आई, जिससे उनमें से गुजरना काफी मुश्किल हो गया था। पठानकोट व्यापार मंडल के चेयरमैन अनिल महाजन व अध्यक्ष मनिंदर सिंह ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मात्र आधे घंटे की वर्षा से शहर की सड़कें का तालाब बन जाना शहर निवासियों ही नहीं बल्कि प्रशासन और निगम के लिए चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि सड़क बनाते समय या फिर सीवरेज व नाले बनाते समय किसी भी तरह से इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि वर्षा होने के बाद पानी की निकासी होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की इन अव्यवस्थाओं का सामना आज हम शहर निवासियों को करना पड़ रहा है। आगे वो कहते हैं, एक समय था कि जब शहर में वर्षा इत्यादि होती थी तो मात्र कुछ समय के लिए पानी खड़ा होता था, परंतु अब मौजूदा समय में जो हालात बन रहे हैं वे शहर निवासियों की सोच से भी परे हैं, जिस पर जिला प्रशासन को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। देखो, 5 मिनट की बरसात होती है पठानकोट के चलना मुश्किल हो जाता है। मेन बाजार, गांधी चौक, काली माता मंदिर, कचहरी के कोल, पुरानी कचहरी के कोल, जिते मर्जी तुम चल जाओ हर जगह से पानी खड़ा। फिर एक घंटा लगता पानी निकल रहा, 5 मिनट की बारिश होता। पहला सब तो पहला कौंसिल होंगी सी साड़ी, फिर कमेटी बनी 2011 की, कारपोरेशन बन गई। कारपोरेशन का मतलब है कि जोड़े फंड्स पहले आते थे उस तो हूँ 5 गुना ज़्यादा फंड्स आते हैं शहर की डिवेलपमेंट वास्ते। अज 12 साल हो गए साड़ी कारपोरेशन बने, तो असी ये एक सीवरेज सिस्टम भी अपना ठीक कर पाए। हर वारी सीवरेज प्लांट को लैके फंड्स आते हैं, यह खर्चते भी है, खर्चते पता नहीं कितने है। कमिश्नर साहब इत्थे है, जॉइंट कमिश्नर साहब इत्थे है, इन्ना स्टाफ है कारपोरेशन का कर ही रहे हैं। जो तो बारिश नहीं होंगी आराम नाल बह जाते कि हूँ सब ठीक हैगा, तो बारिश आने वाली प्लानिंग कदों करनी है। हूँ ही देखते पे कि हर पासे बारिश नाल तराही तराही हो रही है, जो तो बारिश नहीं होंगी उदो ठीक कराओ। इन्हों जागना पेगा, सानू लोगों जगाना पेगा। अगर असी चुप चाप इदा ही सहते रहेंगे तो इदा ही चलता रहना, होर 50 साल इदा ही चलता रहना। सारे जने जागो, मैं सारे भराओं को अपील करदा, कारपोरेशन का घराव करिए, इन्हों पुछिए तुम कर ही रहे हो, काम तो कोई है नहीं सर, ये चलान कट दो, दुकानदारों तंग करो, वो बैटर पहले सुविधावान दे दो, उन्होंने सुविधावान दो, उन्होंने दुकान आ देखो बार तुम गांधी चौंक के बीच कि पानी खड़ा दुकाना के अगे, उन्होंने फैसिलिटीज तो देवो, दुकान के अंदर जाने का रस्ता तो साफ देवो, योजा कुछ भी नहीं है। काली माता मंदिर लागे भी यही हाल है, की कहना चाहते ठीक है जी। ये प्रशासन की कोल एक मिनट खुल जाती है, जिहड़ा आवरण इन्होंने अपने अगे ला के अपने आप ढके कि असी बड़ा विकास करे करने, असी बहुत विकास करे करने, ना ज़्यादा करें थक गए विकास कर करके, पर सारे विकास का कोल उस वेल खुल जाता कि जिसने 10 मिनट अपनी आई तो आई है प्रशासन का। और पठानकोट शहर का इतिहास जानने वाले थोड़े बजुर्ग जी उन्होंने पता है कि पठानकोट शहर में फूलों का शहर कहा जाता हूँ। पठानकोट शहर की ज्योग्राफी इस तरीके की है कि चारों बजों नहर पैती है। असी पठानकोट में पार जिधरों भी करा पुल पार करके करा, चारों बने नहर शहर कूलों का, पानी की एग्जास्ट करने की पोजिशन इतनी ज़्यादा कपैसिटी इतों की पठानकोट की। पर पठानकोट शहर का विकास किस तरीके का करे करने कि माड़ा जी बारिश आती है तो पानी कड़न का राह ही कोई नहीं है। सानू चाहे कूड़े जे कदम चुकने पैन, चाहे कुछ भी करना पे, क्योंकि पानी ने, पानी प्रकृति कहती है कि पानी अपनी राह नहीं छड़ती, अपनी जगह नहीं छड़ता पानी। और अज नहीं लेगा, 10 साल लेगा, 20 साल लेगा, जदों लेगा उदो त्रासदी पैदा होएगी। उदा चंगा है कि प्रशासन हूँ भी अपने आप को सचेते जागे, वेखे कितने कितने ऐसा गड़बड़ा हुई हैं कि पानी रुके करता है, नहीं तो पठानकोट शहर से पानी कभी नहीं रुकया। इतों पानी आता सी तो फ्लो आता घट सी, तो आउटफ्लो तो ज़्यादा होता सी, पर अज स्थिति इस तरीके से बन गया कि चारों बने हाहाकार, 5 मिनट की बारिश तो बंदा टप नहीं पाता। इस कारण जिहड़े प्रधान जी पुराने नाले सीगे उन्हां ते लोगों ने कब्जा कर लिया, उन्होंने बारे तुम प्रशासन में की कहना चाहते हो? लोगों ने कब्जा नहीं, सरकारों ने भी किते दा कब्जा जी, लोगों ने भी किते दा, सरकारों ने भी उन्होंने कब्जा किते दा। असी तो ये गल बड़ी देर तो कर रहे हैं कि भी पानी वाली जगह नूं एनक्रोच करांगे तो पानी ने अपने राह बना लेने, अपनी जगह मान लेनी है। और अज का नहीं, पिछले इतिहासों तो गल है कि पानी अपनी जगह नहीं छड़ता,
पानी ने अपनी जगह लैनी लैनी है। इस कारण शासन प्रशासन नू क्योंकि उन्हों को भी टाउन प्लानर रचे आ सोच वाले अच्छे बंदे ने वह सोचन विचारन पठानकोट शहर पंजाब के उपर ने 6-7 शहर की गिनती जाए यदा विकास बड़ा प्लांड तरीके करो। प्लांड तरीका यही होंगे कि जिसले उपरों बरसात आती है पानी आता वह ठीक फ्लो जरा ना बाहर निकल जाए और बेहतर होंगे कि पानी जमीन के बच्चे जाए। असी वो पानी नू रोड़ दें बर्बाद कर दें। पिछे भगवंत मान जी ने बड़ी सोहनी गल की जो आप के मुख्यमंत्री साहब बने उन्होंने कहा कि रेन हारवेस्टिंग सिस्टम सारे जिले ने सैट करो ताकि बारिश का पानी दे एक बूंद भी बेकार न जाए। पर एक बूंद बेकार इतने तो जान लग कदम पैंगी है बूंद भी। इस कारण मेरी ये बेनती है कभी प्लानिंग ठीक तरीके प्लानिंग करो पानी की व्यवस्था ठीक करो ताकि पानी ये साढ़े वास्ते एक मुसीबत की बजाय साड़ी मुसीबतों का निजात बने। इस तरीके की व्यवस्था। पठानकोट से सोनू गुप्ता की रिपोर्ट, AMI न्यूज पंजाब। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। वी एट सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफर सपोर्टिव एंड इंस्पिरेशनल एनवायरनमेंट फॉर यंग इंक्वायरिंग माइंड्स to learn and grow with us. Our passion for learning means we achieve more than outstanding results. We strive to build confident and creative thinkers and aim at delivering an education that is truly relevant to their future. We aim at inspiring our students to dream more, learn more, do more, and become more in their respective journey of life.